हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में हिंदी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ए ऑप्शन है के रंगराजन, बी ऑप्शन है एस रंगराजन, सी ऑप्शन है जी रंगराजन, डी ऑप्शन है आर रंगराजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को कहा है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है इलाहाबाद में, सी ऑप्शन है मिर्जापुर में, डी ऑप्शन है बनारस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रेमधन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि रसखान ने माली किसे कहा है। ए ऑप्शन है कृष्ण को, बी ऑप्शन है बलराम को, सी ऑप्शन है नंद को, डी ऑप्शन है राधा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने माली किसे कहा है, तो रसखान ने माली कृष्ण को कहा है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में हिंदी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स ने, बी ऑप्शन है जनरल कनिंघम ने, सी ऑप्शन है मैक्स मुलर ने, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मुलर ने किया। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है राष्ट्रभक्ति का, बी ऑप्शन है देवभक्ति का, सी ऑप्शन है मित्र भक्ति का, डी ऑप्शन है शत्रु भक्ति का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रभक्ति का होनी चाहिए। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है
हैं कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है सरल कार्य होना, बी ऑप्शन है कठिन कार्य होना, सी ऑप्शन है निश्चित कार्य होना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो कठिन कार्य का होना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ए ऑप्शन है बंदूक पर, बी ऑप्शन है लाठी पर, सी ऑप्शन है एटम बम पर, डी ऑप्शन है लोहे के बने हथियार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम पर कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है प्राणों को संकट में डालना, बी ऑप्शन है निडर होना, सी ऑप्शन है बलवान होना, डी ऑप्शन है किसी की न मानना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो प्राणों को संकट में डालना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पछताना, बी ऑप्शन है दुखी होना, सी ऑप्शन है खुश होना, डी ऑप्शन है मांग करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ पछताना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। ए ऑप्शन है ईर्ष्या से, बी ऑप्शन है घृणा से, सी ऑप्शन है चिंता से, डी ऑप्शन है अंधकार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं, तो किसके कारण से झुकी हुई हैं, तो चिंता के कारण से झुकी हुई हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। ए ऑप्शन है सोफर ने, बी ऑप्शन है नौकर ने, सी ऑप्शन है खोखा ने, डी ऑप्शन है सेन साहब ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में हिंदी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं, तो किसान मजदूर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है कि श्रवणबेल गोला स्थान का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है जैन धर्म से, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन है सिख धर्म से, डी ऑप्शन है वैष्णो धर्म से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रवणबेल गोला स्थान का संबंध किससे है,
तो जैन धर्म से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर, डी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य। 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि अवन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है सोन नदी के, बी ऑप्शन है रोन नदी के, सी ऑप्शन है झेलम नदी के, डी ऑप्शन है गंगा नदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवन्यो किस नदी के किनारे स्थित है, तो अवन्यो रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है यूनान, डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो अपना देश भारत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है? ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि शंभु महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ए ऑप्शन है पिता, बी ऑप्शन है चाचा, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है मौसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शंभु महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं? ए ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा को, बी ऑप्शन है मातृभाषा को, सी ऑप्शन है हिंदी को, डी ऑप्शन है फ्रेंच को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का नाखून था? ए ऑप्शन है प्राचीनतम हथियार, बी ऑप्शन है मध्यकालीन हथियार, सी ऑप्शन है आधुनिक हथियार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का नाखून था, तो मनुष्य का नाखून प्राचीनतम हथियार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं? ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है पर्वत में। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं, तो भारत माता गांव में निवास करती हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या हो गया था? ए ऑप्शन है सिर दर्द, बी ऑप्शन है जुखाम, सी ऑप्शन है बुखार, डी ऑप्शन है पेट दर्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहले दिन पपाती को क्या हो गया था, तो बुखार हो गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? ए ऑप्शन है देसी घी, बी ऑप्शन है विदेशी रहन सहन, सी ऑप्शन है गुलामी, डी ऑप्शन है नौकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है, तो विदेशी रहन सहन अब अच्छा लगने लगा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था? ए ऑप्शन है कहानीकारक का बेटा, बी ऑप्शन है कहानीकारक का नौकर, सी ऑप्शन
ऑप्शन है कहानी कारक का रिश्तेदार, डी ऑप्शन है फौजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कौन था, तो बहादुर कहानी कारक का नौकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है मित्र ने, सी ऑप्शन है नौकर ने, डी ऑप्शन है छोटी बेटी ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था, तो छोटी बेटी ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में हिंदी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भाषा सभी भाषा का अग्रजा है। ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भाषा सभी भाषा का अग्रजा है, तो संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मंगमा थी। ए ऑप्शन है आस्तिक, बी ऑप्शन है नास्तिक, सी ऑप्शन है अंधविश्वासी, डी ऑप्शन है कमजोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा थी, तो मंगमा जो थी ये अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि रंगपा था। ए ऑप्शन है शराबी, बी ऑप्शन है जुआरी, सी ऑप्शन है रसोईया, डी ऑप्शन है शिक्षक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंगपा था, तो रंगपा क्या था, तो रंगपा जुआरी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है रंगपा के खेत में, डी ऑप्शन है पटना में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे। ए ऑप्शन है कृष्ण के, बी ऑप्शन है राम के, सी ऑप्शन है विष्णु के, डी ऑप्शन है शिव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि सहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। ए ऑप्शन है झालसी से, बी ऑप्शन है शकरकंडा से, सी ऑप्शन है दूब से, डी ऑप्शन है नरकट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है, तो सहनाई नरकट के घास से बनाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर।
38 नंबर प्रश्न है कि बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 1। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी। तो बाजार से 3 मछलियां खरीदी गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है महानगरों में, बी ऑप्शन है शहरों में, सी ऑप्शन है सरायों में, डी ऑप्शन है गांव में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। ए ऑप्शन है मार, बी ऑप्शन है दुलार, सी ऑप्शन है प्यार, डी ऑप्शन है दुधकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में हिंदी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि मदन के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है मोहन, सी ऑप्शन है रामनाथ, डी ऑप्शन है गिरधर लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है निर्मला ने, सी ऑप्शन है किशोर ने, डी ऑप्शन है निर्मला के रिश्तेदार ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। तो बहादुर पर चोरी का आरोप निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है अर्जुन देव, बी ऑप्शन है महादेव, सी ऑप्शन है गुरु नानक देव, डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो गुरु नानक देव हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है दिल्ली में, डी ऑप्शन है ग्रामीण भारत में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है। तो ग्रामीण भारत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है जौनपुर में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है मैनपुरी में, डी ऑप्शन है देहरादून में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। तो मैनपुरी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। ए ऑप्शन है अभिनय, बी ऑप्शन है अभिनीति, सी ऑप्शन है अभिनेत्री, डी ऑप्शन है अभिनव।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभिनेत्री होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि नाक कटाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है घूस देना, बी ऑप्शन है समय देना, सी ऑप्शन है जान देना, डी ऑप्शन है इज्जत जाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इज्जत जाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ए ऑप्शन है लूह से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो लू से हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पर, बी ऑप्शन है फ्रांस पर, सी ऑप्शन है रूस पर, डी ऑप्शन है चीन पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था, तो जापान पर गिराया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग बीच से जुड़े हैं या कोई प्रश्न आपका छूट गया होगा तो फिर से इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में हिंदी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को अगर आपका छूट गया होगा तो फिर से देख लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के उसका आप लोग टाइम टू टाइम रिविजन करते रहिएगा, ताकि वो प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ने, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, डी ऑप्शन है अकबर ने। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 9 बजे क्लास होगा तो आप लोग 9 बजे राइट टाइम जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।